बांदा में स्वास्थ्य विभाग की हालत ठीक नहीं है। जिला महिला अस्पताल में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है। अस्पताल प्रशासन ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए अब मरीजों के पानी पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल अस्पताल के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप पर अस्पताल प्रशासन ने सबमर्सिबल लगवा कर पानी सुलभ शौचालय पहुंचा दिया और सुलभ शौचालय प्रयोग करने पर मजबूर मरीजों और तीमारदारों से अनाप शनाप पैसे की उगाही की जा रही है। हालांकि जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछे गए तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। वालों को जो भी यहाँ आता है इलाज करा रहे उनको पानी की दिक्कत है। सरकारी नल पे समरसेबल डलवा दिया गया है, उसका कनेक्शन शौचालय में करा दिया गया है। अन्य जगह यहाँ मरीजों को पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पर मरीजों को पीने के लिए तीमेदारों को पीने के लिए पानी ही नहीं है। कि हमारे यहाँ पानी की बहुत क्राइसिस थी और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मरीज गंदगी फैलाते थे, जिससे कि हमारे जो एमडी वो जो मेन गेट पर हमारे जो इंस्पेक्शन वाले एनआरएचएम की टीम आती है वो हमेशा ये कहती थी कि यहाँ पे कपड़े नहीं टांगे जाएं, यहाँ ये गंदगी यहाँ से हटा दी जाए, क्योंकि इस कैंपस में ऑलरेडी सुलभ शौचालय बना हुआ है, तो सुलभ शौचालय में मरीज वहाँ जाएगा जब आप यहाँ से हटा देंगे। तो मैंने इसको कन्वर्ट करा दिया है समर में। प्रोविजन नहीं है हैंडपम्प में सबमर्सिबल लगाने का जी, यदि आप उसको दिखवाते हैं उसकी जांच कराते हैं नियम अनुसार कार्रवाई करवाएं। सर शौचालय में इतनी रेट तो नहीं है, वहाँ तो 1-2 रुपये नॉमिनल फीस होती है उसकी जी, और वो ऑलमोस्ट फ्री समझिए उसको। ठीक है, हम उसको दिखवाते हैं, जांच कराते हैं।